हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पे मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर, जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। सो द क्वेश्चन इज एज फॉलोज, रिड्यूस द एक्सप्रेशन। आई वॉन्ट टू रिड्यूस दिस एक्सप्रेशन। सो इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव 4 लिटरल्स। सो दिस इज अ टर्मोलॉजी दैट आई यूज। द टर्मोलॉजी इज लिटरल, टर्मोलॉजी इज लिटरल। So what do you mean by literal? Literal means appearance of every variable is called as a literal. कोई भी variable कितनी बार एक expression में appear हो रहा है उसको हम बोलेंगे literal. जैसे यहाँ पर we have a variable A and we have a variable B, right? So how many times it is appearing? So every time it will be appearing, we are going to count as a literals, right? So here we have, it is 1 literal, 2, 3, 4 and 5. So in this expression there are total of 5 literals. इस पूरी expression में total 5 literals है. And what is reducing the expression? What do you really mean by reducing the expression? Reducing the expression means we want to minimize the number of appearances of literals. इस पूरी expression में हमें जितने literals show हुए हैं, हमें उन literals को minimize करना है. We want to minimize the number of appearances of literals. Let us see how can we do it. So we have the following expression. We have AB whole complement plus A complement plus AB, and this is whole complementation. Correct? So in this entire expression, I can apply De Morgan's law. मैं पूरी expression में De Morgan's law apply करूँगा. If I will apply De Morgan's law, then this or will change to and this and will change to or. And जो है वो or में change हो जाएगा, और जो है वो and के अंदर change हो जाएगा. So if you apply De Morgan's law, then this will be looking something like this. AB complement complement dot A complement dot AB whole complement. ठीक है, क्लियर। नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन लाइक दिस। इस पूरी एक्सप्रेशन को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, बट इफ यू क्लियरली सी, आई कैन शो यू शॉर्टकट हियर। आई कैन डू दिस इन अ शॉर्टकट मैनर। आप इसको शॉर्टकट मैनर में भी कर सकते हैं। इफ यू डू दिस इन अ शॉर्टकट मैनर, देन यू विल आइडेंटिफाई देन दिस ए बी डॉट ए होल कॉम्प्लीमेंट, देन दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट? दिस इज शॉर्टकट मैनर, राइट? आई कैन ऑल्सो सॉल्व इट प्रॉपरली। मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकता हूँ। आई विल डू इट इन बोथ द मैनर्स, राइट? सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू दिस शॉर्टकट। हियर वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो, एंड वी हैव ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट देन इट इज इक्वल टू 1, राइट? एंड इफ यू डू ए डॉट 0 देन इट इज इक्वल टू 0, इफ यू डू ए डॉट 1 देन इट इज इक्वल टू 1, लाइक दिस। सो वी ऑलरेडी नो सम ऑफ दिस रूल्स। You also know that if you do a plus 0, then is equal to a, and if you do a dot 0 or a plus 1 instead of 0, let me change it to a plus 1. So if you have a plus 1, then it is equal to 1. So this is actually a, this is not 0, this is equal to a.
सो वी ऑलरेडी नो मोस्ट ऑफ दिस रूल्स, आपको ये सभी रूल्स ऑलरेडी पता है. सो जस्ट करेक्ट दिस वन, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं. सो ए डॉट वन इज इक्वल टू ए. सो इन द सेम वे आई कैन से दैट दिस एंटायर इज रिप्रेजेंटिंग एक्स, दिस एंटायर इज रिप्रेजेंटिंग एक्स, देन दिस वन विल बी रिप्रेजेंटिंग एक्स कॉम्प्लीमेंट. सो एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इज जीरो, राइट? सो आई कैन ऑल्सो से दिस इक्वेशन दिस मैनर, आई कैन से इट इज ए कॉम्प्लीमेंट डॉट जीरो, दैट इज वाई दिस एंटायर एक्सप्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू जीरो. सो आई कैन मिनिमाइज दिस एंटायर एक्सप्रेशन विद जीरो लिटरल्स. यहाँ पर कितने लिटरल्स हो जाएंगे हमारे पास? जीरो लिटरल्स आएंगे. बट दिस वन मोर प्रॉपर एक्सप्रेशन दैट आई कैन गिव यू हियर. सो दिस कैन बी रिटन एज ए डॉट बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट. हियर वी हैव ए ए बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन. नाउ हियर यू कैन क्लियरली सी दैट दिस डॉट ऑपरेटर इज कॉम्बिनेटिव. डॉट ऑपरेटर जो है कॉम्बिनेटिव है, दैट इज वाई आई कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस मैनर, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, एंड हियर वी हैव ए बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन. And because this dot operator is commutative, and now we have a dot a complement, this is equal to 0, right? So I can say it as a 0 dot b dot ab whole complementation, correct? Now what is 0 dot b? 0 dot b is 0, right? And this equation will become 0 dot ab whole complementation. Even if you open this one, you can easily find out that the end result is equal to 0. Even if you apply De Morgan's law here, and then even you do it, you will find out that end result is 0. So this entire expression can be minimized to 0. Hum is puri expression ko 0 ke saath minimize kar sakte hain. Right? I hope that you understood this one. Let us look at the next question here. So it is saying reduce expression. We have an expression. I want to reduce this expression. I want to minimize the total number of appearances of literals. How many literals are there? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have a total of 7 literals. I want to minimize the number of appearances of literals in this expression. Then only I can reduce it. How can I do it? Let us do it. So we have A in brackets. We have B plus C complementation. And here we have AB plus AC complement whole complement. This is your expression. Ye aapki proper expression hai. Now in this expression, यू कैन अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ हियर. आप यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं. सो आफ्टर अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ वी गेट ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट. एंड हियर इफ यू अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इज बेसिकली ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? एंड फर्दर यू कैन ऑल्सो अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ इन दिस इन साइड इन इनर एक्सप्रेशन. आप यहाँ पर भी डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट मी अप्लाई द डी मॉर्गन्स लॉ हियर फर्स्ट. मैं यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करता हूँ. सो आई गेट ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट. हियर वी हैव ए बी होल कॉम्प्लीमेंट डॉट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, राइट, प्लस सी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट. एंड बिकॉज वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट्स, देन दैट विल बी इक्वल टू सी ओनली. तो आपके पास यहाँ पर टू कॉम्प्लीमेंट्स हैं. हियर वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट्स, सो दिस इज एंटायरली इक्वल टू सी. देन ओपन द ब्रैकेट्स. तो आपके पास ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देर इज ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए बी होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, राइट, प्लस दिस इज ए बी होल कॉम्प्लीमेंट सी. एंड फर्दर अगेन यू कैन ओपन दिस ब्रैकेट्स, यू विल फाइंड आउट दिस इज ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए बी होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, प्लस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो हियर वी हैव ए बी होल कॉम्प्लीमेंट सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट? नाउ व्हाट यू विल फाइंड हियर, you will find out that c dot c complement is actually equal to 0. So this entire expression, ye jo expression ka ye jo part hai, this entire part is actually equivalent to 0. Pura part jo hai wo 0 ke equivalent ho jayega, right? So if this part is 0, then what can I find out here? I have a, this is b plus c complement. Further I can open this, so I can apply de Morgan's law. So this is a complement plus b complement, and here we have a complement like this, okay? राइट, आई कैन फर्दर ओपन दिस वन. आप इसको फिर से ओपन कर सकते हैं. सो देन यू विल गेट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, देन व्हाट इज दिस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट? ये वैल्यू क्या होगी आपके पास? सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट ओनली. आप इसको सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, ओके? एंड यू कैन ओपन द एंटायर ब्रैकेट. आप पूरे ब्रैकेट्स को अगर आप ओपन करेंगे, देन व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट?
Now there's something very interesting is puri expression mein. So a complement dot a, this entire will be zero. A complement dot a, this entire expression will be zero. So this entire expression here, it can be minimized to ab. Ye jo puri expression hai, this entire expression can be directly minimized to ab like this. So just have to apply the Boolean algebra laws. Jo bhi maine aapko laws bataye the, aapko sirf unhi laws ko apply karna hai. Just by applying those laws, you will be able to solve this expression very easily, right? So you can clearly see it is very easy, such an easy problem. Bahut asaan problem hai, bahut easily aap isko kar sakte hain. So you can also see this entire expression here step by step. Aap yahan par puri expression ko dekh sakte hain. So in this entire explanation, you can see what is the law that we have applied. So yahan par aapne De Morgan's law apply kiya. Then we have applied this law, then here again. So what are the laws we have applied? We have simplified, but jo bhi laws aapne apply kiye hain, you can see this entire expression here also. Now let us look at this one. So here in this expression, what is the number of literals? Kitne literals hain yahan par? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have a total of 7 literals. And I want to minimize this expression. Let us see. So you have A plus B AC plus B plus C complement D. Theek hai? So now open these brackets. Aap isko brackets ko open karenge. Then what will you get? You'll get A plus B AC plus BD plus C complement D. Now again open this one. So agar aap check karenge, this is A plus ABC plus, this is actually C. I should rub this one. Yeah. So this is ABC plus B dot D plus B dot C complement D. Now again, what is this B dot D? This is equal to BD only. Ye kise equal hai? Ye sirf BD ke equal hai. Right? So we have A plus ABC plus BD plus BC complement D. क्लियर? इतना क्लियर है सभी के साथ? नाउ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कैन बी डन हियर. कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर की जा सकती है. लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर पॉसिबल. व्हाट इज दैट इंटरेस्टिंग थिंग? वो क्या इंटरेस्टिंग है? फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू कैन टेक ए एज कॉमन, राइट? सो इफ यू टेक ए एज कॉमन, दिस विल बी रिटन एज 1 प्लस बी सी. एंड फ्रॉम दीज टू एक्सप्रेशन यू कैन टेक बी डी एज कॉमन, देन दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस सी कॉम्प्लीमेंटेशन. सो 1 प्लस दिस इक्वेशन इज 1 and 1 plus C complement is 1. So this entire expression can be written as A plus BD. So now you can clearly see what is the number of literals here. Only 3 literals are present. Is puri expression mein sirf 3 literals hi present hai. Only 3 literals are present in this case. So this is how you can reduce or simplify an expression. Is tarike se aap isko reduce bhi kar sakte hain aur simplify bhi kar sakte hain. So you can see the same solution here. So the result of this entire expression is A plus BD. Okay, now let us do the next one. We want to minimize this expression. So let us do it. So here, first of all, you can apply De Morgan's law. Aap yahan par De Morgan's law apply karenge. So this will be written as A complement dot B C complement complement. And this is A B complement plus A B C. Clear? So this is double complementation. So I can just write it as B C. So I can write it as A complement B C. And this is A B complement plus A B C. Now open the brackets. So if you open the brackets, you will get something like this. So here you will get A complement B C dot A B complement plus A complement B C, and we have A B C. Clear? Now here we have B dot B complement. And we have A dot A complement. So this entire expression here, this is equal to 0. And on the second part here, we have B dot B. So if you know that B dot B is equal to B only. In the same way, C dot C is equal to C. But this A complement dot A complement A is equal to 0. So ye jo puri expression hai, this expression will be 0. So that means this entire expression can be minimized to 0. Is puri expression ko hum 0 se minimize kar sakte hain. And it is very to do it, very easy to do it. So you can also see this entire solution. You can minimize this entire expression to 0. Aap isko 0 tak minimize lekar kar sakte hain. Okay. I hope it is clear with all of you. Now let us take the next one here. So in this expression, we have B plus BC, B plus B complement C plus BD. Okay. So before solving this, let us do something very interesting.
I can take B as common here. I can distribute B. यहाँ पर मैं B को common लूँगा और यहाँ पर मैं distributive property को apply करूँगा. So that means I can use it this way. So if you take B as common, I will get 1 plus C. And here if you apply distributive property, then this is B plus B complement dot B plus C. And here we have B plus D. Clear? This one, this is equal to 1. And this is also equal to 1. So this expression can also be written in this manner. We have B dot, we have B plus C dot, we have B plus D. And further, if you open it, it will be equal to B dot B plus B dot C. And here it is B plus D. So this B dot B is equal to B only. So we can also write it as B. We can also write it as single B. Again, if you check it out here, I can take B as common. मैं यहाँ से B common ले लूँगा. So this is B 1 plus C plus B plus D. Right? So you can also see this is basically your absorption law. कौन सा law है यहाँ पर? This is absorption law. So this can be written as B, and this is actually dot operator. So B dot B plus D, which is equivalent to again it, here also I can apply absorption law. यहाँ पर भी आप absorption law लगाएंगे. So after applying absorption law, this entire expression will be equal to B only. ये पूरी expression जो है ये B के equal होगी. Such an easy problem, बहुत ही आसान था. You can also see the solution. So this entire expression is equivalent to B. पूरी expression जो है वो B के equal है. Such an easy problem here. Okay, let us look at this one. So here we have to show that the left hand side is equivalent to right hand side. So the left hand side or right hand side hai, ke equal hai yahan par. So let me show you the solution here. So let us take the left hand side and let us try to see if it is equivalent to right hand side or not. So here we have AB. Here we have AB complement C. Let me open, make it a little space. And then we have BC complement. I can take the left hand side here. Now if you look at the right hand side, agar aap yahan par right hand side ko thoda sa focus karke dekhenge, if you look at the right hand side, then you will find out there is no AB. Yahan par koi bhi AB nahi hai. So somehow I have to find a method to eliminate this AB. Correct? Now you know a property that if you do C plus C complement, then it is equivalent to 1. Correct? So I can apply C dot C complement with this AB. Ab isko hum log kya likhenge? We are going to write it as AB C plus C complement plus AB complement C plus we have BC complement. And now in this case, again, this will be equal to ABC plus ABC complement. This is AB complement C plus BC complement. Aap isko kuch aise likh sakte hain. Clear? I hope this much is clear. Itna aap sabhi ke saath clear hoga. Now look at it very carefully. What I'm going to do here is, I'm going to take this expression, I'm going to take this one, and I can take BC complement as common. In the same way, I'm going to take this one and I'm going to take this one, and from there, from these two, I can take AC as common. So if I take AC as common, then here I will get B plus B complement, and here if I take BC complement as common, then I will get A plus 1. So this is equivalent to 1. And this is equivalent to 1. So this entire expression is equal to AC plus BC complement. So that means the left hand side is equivalent to the right hand side. Such an easy problem to prove. Bahut easy tarike se aapne isko proof kar diya. So you can also see the same expression here. Aap yahan par bhi same expression ko dekh sakte hain. Okay. So let us solve this one. Isko solve karne ki koshish karte hain. So we have to show that the left hand side is equivalent to the right hand side. So you can see on the right hand side we have only B and we have only C. आपके पास सिर्फ B और C है और हमारे पास वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है? So let us try to identify कि हम इसको कैसे minimize कर सकते हैं. So in this case, here we have B, here also we have B and here also we have B. Here we have AC and here also A complement C is there. So from these three I can take B as common and from here I can take C as common. तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पर? So you are going to get, if I take B as common, I will get 1 plus BD complement plus here I will get AD complement. And from here, these two, I can take C as common, then I will get AB complement plus A complement. Aapke paas kuch aisa milega. So if you add 1 with any expression, then that expression becomes 1. So this is B.
राइट प्लस एंड हियर यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ए कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो इफ यू डिस्ट्रीब्यूट ए कॉम्प्लीमेंट देन दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंटेशन एंड दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज इक्वल टू वन. सो दिस एंटायर एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो रिटन एज बी प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. सो नाउ आई कैन टेक इट एज बी प्लस दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी. ओके नाउ फ्रॉम हियर आई कैन टेक दिस बी एंड आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट ओवर दिस एक्सप्रेशन. आप इस बी को उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो इफ यू डिस्ट्रीब्यूट इट व्हाट विल यू गेट. आपको क्या मिलेगा यहाँ पर लेट मी शो इट हियर. सो वी हैव बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी डॉट यू हैव दिस एक्सप्रेशन सॉरी यू हैव दिस एक्सप्रेशन विच इज ए कॉम्प्लीमेंट सी. नाउ हियर दिस इज इक्वल टू वन. ये वन के इक्वल है सो आई कैन राइट इट एज बी प्लस सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी एंड आई कैन अप्लाई एब्जॉर्प्शन लॉ हियर. सो दिस इज बी प्लस सी. ये पूरी जो एक्सप्रेशन है वो बी प्लस सी के इक्वल है. सो इन दिस वे यू कैन प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. सच एन ईजी प्रॉब्लम. बस आपको पता होना चाहिए वट इज द राइट एक्सप्रेशन यू हैव टू अप्लाई. सो दिस इज हाउ यू कैन ईजिली प्रूव इट दैट दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी. आप इसको इस तरीके से बी प्लस सी के इक्वल प्रूव कर सकते हैं. ओके okay?